हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज का ब्लॉग कर रहे हैं हम लोग 3 बजे से स्टार्ट, क्योंकि आज मैं 3 बजे फ्री हो पाई हूँ। जो पर्स है वो सबको बहुत पसंद आ रहा है और सबने मंगाया है, तो मैक्सिमम 7 से 8 लोग हो गए हैं। इतने सारे बैग लेके जाने हैं फिर से। अब देखते हैं मम्मी कब आएगी, कब लेके जाएंगे। फिलहाल मैं तो लेके नहीं जाऊँगी, मम्मी आएगी तो अपने आप से ही लेके जाएगी सबके लिए। इतने सारे कपड़े रखे हुए हैं, सबको मुझे सिलना है और आज ही देना है, क्योंकि 2 दिन हो गए दे नहीं पाई थी, तबीयत खराब थी तो काम नहीं कर रही थी। वैसे कल मैंने मेहंदी लगाई, काली मेहंदी। अब देखो वाइट वाइट बाल को छुपाना पड़ता है सारे। ये देखो सारे हो गए फिलहाल। और इसमें मैंने डाला था अंडा, वो वीडियो मैंने बनाई नहीं, क्योंकि कल मुझे इतना सारा काम हो गया था ना कि सोच रहे थे वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। इतने सारे कपड़े हो गए थे, बहुत दिन बाद मैंने कपड़े धुले सारे, जैसा कि बेडशीट हो गए और कुछ भी, तो मैंने वो दिखाया नहीं। और बाल इतने सिल्की हो गए हैं इसमें अंडा डाल के कि पूछो मत। तो चलिए जी, अब हम कर लेते हैं काम। तो मशीन को इधर खिसकाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतने सारे कपड़े हैं, इसको इसमें कटिंग भी करनी है मुझे सूट की, और पैंट भी बनाना है और फिटिंग भी करनी है। तो ये मेरा आज का काम है। इसके कलर ब्रश देखो किस टाइप के हैं, जो ईयरबड होते हैं, ईयरबड को इसने क्या कर रखा, काट दिया है बीच से, उसमें सारे कलर कर रखे हैं। और मेरे कलर को इतना ख़राब करती है ये लड़की, ये देखो। जब भी इसको ना कुछ करना होता है तो इन्हीं से करती रहती है। और ये देखो पॉकेट, कुछ ना कुछ बनाती रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ बनाती रहती है। चलो नया एक्सपेरिमेंट कर रही है, कुछ तो सीख रही है। ये देखो सारे उसके एक्सपेरिमेंट है। तो दोस्तों मेरा काम हो गया है, अब मैं इसको देने भी जा रही हूँ, और साथ में जा रहे हैं हम लोग मार्केट, थोड़ा सा सामान लाना है, मतलब खाने पीने का सामान है, और आटा वाटा ख़त्म हो गया तो आटा वाटा सब कुछ लेके आना है, मतलब महीने का सामान लाना है। तो चलते हैं और मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। दोस्तों मार्केट जा रहे हैं, और देखो बाहर ना इतना ठंडा हो गया है, सासू कैप नहीं उड़ रही है, पहनी नहीं रही। लो गाइस, आपके लिए यहाँ हो रही है बारात। देखो बारात घर को निकाल रहे हैं, निकाल नहीं रहे, खाना बन रहा है इधर, कैटरिंग का सामान सारा। देखो तो ये कैप मैंने पहन ली क्योंकि ठंडा लग रहा है, ये कभी पहन ही नहीं रही है, ठंडा ठंडा हो रहा है। अब ना बालों में कुछ भी नहीं करा है इसने। अरे गाइस मम्मा कंघी ऐसे करते हैं कि मेरे बाल चुप जाते हैं गले में। ये देखो यहाँ पे पूरा लाल कर दिया, पूरा लाल कर दिया। बारात घर साथिया, चलते हैं खाना खाने चलते हैं, ठीक है? चलो चलो चलो, देखो कितना अच्छा डेकोरेशन हो रखा है, देखो है ना, कुछ क्या चीर से लटकाया देखने जी खाने। भूख लग गई अब तो दोस्तों घर आ चुके हैं और इतना सारा सामान लिया, देखो बहुत सारा सामान, बहुत थक गए हम लोग ऊपर आते आते हैं ना साची साची, इतना भारी सामान हो गया रही, आटा बाकी और सामान, सांस फूल रही है। और साची ये देखो साची का हाल। और हम खाने के लिए ले आए हैं दही बल्ले, आप खाओगे? चलो
चलो खा। क्या लगता है आपको? आ जाओ दोस्तों दही बल्ले खाने। मैं तो सिर्फ दही खाऊंगा। दोस्तों मैं कह रही हूँ मैं काली हूँ, मम्मा गोरी, ऐसा क्यों? कमेंट करके बताना। हेलो दोस्तों, पार्क में आ गए हैं हम लोग और अब मैं थोड़ा सा इवनिंग वॉक कर लेती हूँ। घर के अंदर बैठे बैठे ना परेशान हो जाते हैं, घूमने को नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो पूरा बिल्कुल चलने के लिए, काफ़ी वॉक करने के लिए काफ़ी अच्छी रोड बना रखी है। और यहाँ पे पार्क में बच्चे बहुत कम हैं, अभी तो फ़िलहाल मैं ही हूँ और एक और लेडीज़ आ रही है। देखिए अच्छा बिल्कुल, और ये लाइट का देखा, ये हमेशा ऐसी दो ऐसी रहती हैं, लिपचिम होती रहती हैं बिल्कुल। बच्चे झूला झूल रहे हैं, लेकिन ये बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं। तो कल भी एक लेडीज़ थी और मैं थी, बस 7:30 बजे तक हमने वॉक करा, उसके बाद फिर मैं गई। अभी भी मैं उसी टाइम पर आई हूँ, अब देखते हैं। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, यहाँ पर डोसा बन रहा है, रोड के जस्ट पार डोसा बन रहा है। देखो दोस्तों डोसा, इधर मोमो है, और यहाँ पे बड़े बच्चे खेल रहे हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पर और मैं बना रही हूँ दाल चावल। आज मैं बना रही हूँ खड़ी दाल। खड़ी दाल का मतलब है साबुत दाल। कब बोला राजमा? बोला था आपने बनाया। हमने सब बना कर दिया, इसलिए मैं दाल बना रही हूँ, वो भी दूसरी वाली बना रही हूँ। आप खाओगे ना तो बिल्कुल उंगलियां चाटते रह जाओगे। कौन सी वाली? खड़ी दाल। खड़ी दाल जानते हो? बाकी सारी बैठी होती है और एक खड़ी दाल होती है। तो साबुत दाल मसूर की बना रही हूँ, जो कहते हैं मतलब छिकल वाली, तो वो मैं बना रही हूँ। और अभी जब घर जाऊंगी तो ठंड की दाल लेके आनी, गैस की दाल मिल जाती है फिलहाल, आप देखती हूँ मंडी मार्केट में मिलती है कि नहीं मिलती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गर्म होती है और ठंड के लिए बहुत अच्छी होती है। तो खाना मेरा बन रहा है, खाना भी मेरा बन चुका है, लगभग लगभग मेरा बन चुका है, आ रही हूँ। चलो खा जाओ। मेरी बेटी बाथरूम करने के लिए पूछ रही है कि सुसु करने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, मैंने कहा नहीं, तो वहीं खड़ी रही। अगर जाऊं कि नहीं जाऊं बोलो ना, जाऊं कि नहीं जाऊं, तो मैंने कहा जा। खाना पीना मेरा बन गया है, मतलब बन रहा है, और घूम के आए 1 घंटा, बहुत अच्छा लगा। पैरों में थोड़ा सा दर्द हो गया तो ना अच्छी नींद अच्छी आ जाती है, तो और जितना भी खाया पिया पच गया। तो इसलिए मेरी इवनिंग वॉक मेरी हो जाती है रोज, और सांची के भी पार पार के जाना भी हो जाता है। तो थोड़े बहुत कपड़े मेरे बचे हैं, वो करूँगी मैं कल। मिलते हैं आप कल, और वीडियो को आप भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, गुड नाइट।